आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछला वीडियो लेक्चर जो कवर किया था उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की थी। नाउ यह वीडियो लेक्चर जो है उसी को कंटिन्यू करते हुए, या अपन ये कह लें कि यह इसका सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर मीन्स दैट वॉट? प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर मीन्स दैट जो भी ऑपरेटर अगर किसी एक्सप्रेशन पर या किसी इक्वेशन पर अप्लाई हो रहे हैं तो उनको इवैल्यूएट कैसे करना है, यानी उनको प्रेफरेंस कैसे देना है, उनको प्रेसिडेंस कैसे देना है, उनकी प्रायोरिटी कैसे देना है। ओके, सो यह डिसाइड करता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। सो हमारे पास जो ऑपरेटर है, वी ऑलरेडी नो दैट जनरली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑपरेटर्स यूज होते हैं, प्लस ऑपरेटर यूज होता है, ओके, माइनस ऑपरेटर यूज होता है, मॉड्यूलर साइन यूज होता है, डिवीजन यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन यूज होता है, ओके, और बिटवाइज ऑपरेटर भी यूज होते हैं, एंड भी यूज होता है, और भी यूज होता है। बट आज का जो वीडियो लेक्चर है हम यहाँ पर इन न्यूमेरिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इन ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस चेक करेंगे कि कैसे अगर ये मल्टीपल ऑपरेटर्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स अगर एक ही इक्वेशन पर आते हैं तो इनका प्रेसिडेंस क्या होना चाहिए और इनको सॉल्व किस तरीके से करना चाहिए, जिसमें कि हमको करेक्ट आंसर मिल सके, एम्बिग्यूटी की सिचुएशन ना आए। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स का देखा, जो सिंगल सिंगल ऑपरेटर के साथ काम करता था। मल्टीपल ऑपरेटर्स भी रहते थे तो प्रायोरिटी डिसाइड कर लेता था, बट इन डिटेल वी विल डिस्कस द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। व्हेन द मल्टीपल डिफरेंट ऑपरेटर्स इज प्रेजेंट इन द वन एक्सप्रेशन, दैट इज द कंडीशन टू एक्टिवेट द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड। अगर हमारे पास इक्वेशंस में मोर देन वन मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस माइनस डिवीजन, ये तीनों सब आ गए अलग अलग, तो हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस की जरूरत पड़ेगी। दिस इज द ऑब्जेक्टिव एंड रोल ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। फॉर व्हाट पर्पस? द मेन पर्पस इज दैट टू इवैल्यूएट द करेक्ट एक्सप्रेशन एंड टू गेट द करेक्ट आंसर। बट इधर प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर हमको एक सोल्यूशन बताता है, एक वे बताता है कि इसमें किसको हायर प्रायोरिटी देना है, यानी कौन सा ऑपरेटर जो है वो पहले सॉल्व होगा और आंसर को कंप्यूट करेगा, और वॉट एवर द आंसर इज कंप्यूटेड बाय द स्मॉल सेगमेंट ऑफ एक्सप्रेशन दैट विल बी कंसिडर एज अ इनपुट फॉर रेस्ट ऑफ द सब एक्सप्रेशन। ओके, तो ये हुआ ऑपरेटर प्रेसिडेंस का काम। सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है वह यूज किया जाता है मल्टीपल डिफरेंट ऑपरेटर्स के लिए इन वन इक्वेशन टू डिसाइड द प्रायोरिटी विच वन इवैल्यूएट एंड कंप्यूट फर्स्ट। क्लियर? सो वी हैव वन एग्जांपल, नाउ लेट अस सी इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। नाउ हियर वी हैव टू ऑपरेटर्स, प्लस है और एस्ट्रिक है। ओके, तो इसमें जो प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर बोलेगा कि एस्ट्रिक पहले इवैल्यूएट होगा इंस्टेंस ऑफ प्लस, यानी इस एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर हैं, दोनों डिफरेंट ऑपरेटर हैं, तो पहले कौन सा कंप्यूट होगा? पहले एस्ट्रिक कंप्यूट होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, 20 एस्ट्रिक ऑफ 30 प्लस ऑफ दिस वन, यानी एस्ट्रिक की जो प्रायोरिटी है वो प्लस ऑपरेटर से ज्यादा है, करेक्ट? तो जिसकी प्रायोरिटी प्रेसिडेंस ज्यादा होगा पहले वो कंप्यूट करेगा आंसर। सो दिस विल बी गिवन टू अस 600, देन प्लस ऑफ 10, देन एट द लास्ट वी विल सॉल्व दिस वन। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ओके, नाउ लेट अस सी द वन मोर एग्जांपल। We have a multiple operators A plus of B asterisk of C divided by D. Now here we have a operators. This is the one operator. एक operator हमारे पास plus है, एक operator हमारे पास asterisk है, और एक operator हमारे पास division है। तो अब operator precedence क्या बोलता है? Operator precedence बोलेगा कि इनमें प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है। तो इधर पर जो
एस्ट्रिक है और ये जो डिवीजन है इनकी प्रायोरिटी इक्वल है, करेक्ट, ड्यू टू लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी ऑफ रूल। बट अब इसको कंप्यूट करना है, और ये जो दोनों इक्वल है तो पहले कौन सा रिजल्ट होगा, प्रेसिडेंस किसका ज्यादा है, तो प्रेसिडेंस जो है वो इसका ज्यादा होगा। तो फर्स्ट दिस विल बी रिजॉल्व सॉल्व देन डिवीजन देन प्लस, तो ये इस तरीके से सॉल्व होके कुछ आंसर हमको प्रोड्यूस करेगा। हेयर वी आर नॉट यूजिंग एनी इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, दैट्स व्हाई दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ हाउ वी विल राइट देन, राइट लाइक दिस, एस्ट्रिक दिस विल बी कंप्यूटेड फर्स्ट देन डी वन, दिस विल बी जनरेटेड सम आंसर, आई विल राइट हियर आंसर, ओके, देन प्लस ऑफ आंसर, दिस आंसर इज डिवाइडेड बाय दिस डी, सो दिस विल बी अगेन जनरेट सम आंसर, आई विल गिव आंसर ए, दिस आंसर ए प्लस बाय दिस वन, एंड फाइनल वी गॉट आंसर फाइनल, करेक्ट। सो इन दिस वे दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी सॉल्व, क्लियर। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव अ मल्टीपल ऑपरेटर्स, व्हाट आर द मल्टीपल ऑपरेटर, प्लस इज देयर, एस्ट्रिक इज देयर, डिवीजन इज देयर, ओके, सो प्रेफरेंस इज गिवन टू एस्ट्रिक, करेक्ट। नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल टू क्लियर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। नाउ वी हैव अवर इक्वेशन, इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वी हैव 100 प्लस ऑफ 200 डिवीजन बाय 10 माइनस 3 एस्ट्रिक ऑफ 10। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन, करेक्ट। हाउ वी विल रिजॉल्व, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर एज वेल एज द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, ओके। यानी यहां पर हमको एसोसिएटिविटी ऑपरेटर भी यूज करना है, लेफ्ट टू राइट भी यूज करना है, राइट टू लेफ्ट भी यूज करना है, और प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर भी यूज करना है, और फाइनली करेक्ट आंसर को इवेल्युएट और कंप्यूट करना है, ओके। सो नाउ हाउ मेनी ऑपरेटर्स वी हैव, वी हैव अ प्लस ऑपरेटर, वी हैव अ डिविजन ऑपरेटर, वी हैव अ माइनस ऑपरेटर, ओके, दिस इज द एस्ट्रिक ऑपरेटर, ओके। नाउ विच वन विल कम फर्स्ट, नाउ लेट इट सी, 100 प्लस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर विल बी कम फर्स्ट, ओके, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। हेयर द मोर प्रेफरेबल प्रायोरिटी वाले जो दो ऑपरेटर हैं वो एक ये डिवीजन वाला है और एक ये एस्ट्रिक वाला है, लेकिन डिवीजन हमको पहले मिल गया और एम्बिग्यूटी यहाँ पर क्रिएट होने की ज्यादा संभावना है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। किसने डिसाइड किया, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर ने डिसाइड किया, करेक्ट। सो नाउ दिस विल बी गिवन टू अस, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर, दैट इज 20 माइनस 3 एस्ट्रिक ऑफ दिस वन। तो दो प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर हमारे पास इस इक्वेशन में थे, इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन में एक तो हमने सॉल्व कर लिया, अब जो दूसरा बचा वो बचा एस्ट्रिक, तो सीधी सी बात है कि हम अब इसको सॉल्व करेंगे। सो 100 प्लस ऑफ 20 माइनस दिस विल बी गिवन टू अस 30, क्लियर क्लियर। नाउ प्लस माइनस में ये दोनों जो हैं ये इक्वल ऑपरेटर्स हैं, प्लस और माइनस इनका जो प्रायोरिटी लेवल है या प्रेसिडेंस लेवल जो है वो इक्वल है, तो इधर कौन सा एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट। तो ये जो 20 है ये इसके साथ पहले कंप्यूट होगा, क्लियर, देन माइनस 30, दिस विल बी 120 माइनस 30, देन फाइनल व्हाट विल बी द आंसर, 90 इज द फाइनल आंसर, ओके। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज मच मोर क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इसी तरीके से हमारे सी सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम अपनी यूनिट नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसी प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर से, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर से एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करते हैं और फाइनल करेक्ट आंसर को लेकर आते हैं। तो एक बार कंक्लूड कर लेते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारा टारगेट टॉपिक था वो था प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, ओके। तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन पे मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि हमने इन एग्जांपल्स में देखा, तो इनको किस तरीके से कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा, तो ये डिसाइड कौन करता है, यह डिसाइड करता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, क्लियर।
तो एक छोटा सा टेबल भी हम देख लेते हैं। टेबल यानी कि एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि एस्ट्रिक एस्ट्रिक प्लस और दिस मॉड्यूलर, इनका जो प्रेसिडेंस है वो सेम होता है, क्लियर। और ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी पर काम करते हैं, यानी इनका जो प्रायोरिटी लेवल जो है वो सेम है, बट एसोसिएटिविटी ऑपरेटर कौन सा अप्लाई होगा, लेफ्ट टू राइट, करेक्ट। सिमिलरली हमारे पास जो लेस प्रायोरिटी वाले आते हैं, यानी इनसे लेस जिनकी पावर कम होती है, वो होता है प्लस डिवीजन प्लस एंड दिस माइनस, करेक्ट। इन ये भी लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी पर काम करते हैं। सो दिस इज द बिट ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, फॉलोड बाय द प्रीवियस वीडियो लेक्चर दैट वाज वी वर कवर्ड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, इनका कॉम्बिनेशन कैसे यूज करता है कंपाइलर किसी इक्वेशन को कंप्यूट करने के लिए। तो आज का वीडियो यहाँ एंड होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।